आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आप मेरे को मेरे चैनल जो हमारा YouTube का नॉलेज इनको है इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप देखें। और मेरे को कोई भी चीज़ हो, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आपको आंसर भी दूँगा। और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को इसी तरह देखते रहें और अपनी कोई भी जिज्ञासा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी दे सकूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि सारंग्य परिवार में एक ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस बॉन्ड में आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सारंग सिंह इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड है ये, ठीक है। अब इन बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो सारंग्य परिवार ने अपने जो ब्रोशर्स निकाले थे उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया था, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया था सारा इंडिया के बॉन्ड्स में। बहुत सारे जैसे हाउसिंग बॉन्ड्स हो गए और भी बहुत तरह के बॉन्ड्स हैं इनके, कि इन्होंने क्या किया, पैसे को इन्वेस्टमेंट करवाया अपनी स्कीम्स में। इन्वेस्टमेंट है यानी कि इन्वेस्टर ने खुद से पैसे जो है इनके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट इसलिए किए क्योंकि उनको यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा था यानी कि बहुत ही अच्छा दिख रहा था और बहुत ही काबिल तारीफ दिख रहा था, क्योंकि इतना सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई गवर्नमेंट कंपनी कोई और अनदर कंपनी नहीं दे रही थी, जितना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा इंडिया परिवार ने अपने निवेशकों को दे रही थी। अब हुआ क्या कि निवेशकों ने ये देखा कि जमा योजना, जिस प्रकार से मैं आपको ये ब्रोशर दिखा रहा हूँ, जमा योजना इसमें जो वार्षिक इसमें जो आपको देख रहे हैं एक एक साल में मतलब 10% तक का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये बताइए इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो फिर हर कोई अपना जो है पैसे क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। इसी वजह से सहारा ने अपने ट्रस्ट यानी कि भरोसा जो है निवेशकों को दिया, और ऐसा नहीं कि निवेशकों को उन्होंने पैसे दिए नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने शो किया, उन्होंने सहारा इंडिया परिवार के जो सुब्रत राय है जो मेन चीफ है उन्होंने उन पैसे को उन निवेशकों को प्रोवाइड भी किया। सारा इंडिया परिवार एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ग्रुप है और ये सब आप जानते हैं। 2012 में क्यूसॉप में बहुत सारे पैसे जो है कन्वर्ट हुए। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सारा इंडिया परिवार में तो बहुत सारे लोगों के जो है पैसे इन्वेस्टमेंट हुए। सारा इंडिया परिवार का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सारा इंडिया परिवार और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बीच में जो है कहासुनी हो गई और सारा इंडिया परिवार में और सेबी के बीच में चलने लगा कोर्ट केस। जी हाँ, सारा इंडिया परिवार जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट फैमिली के नाम से जाना जाता है उसमें और सारा इंडिया परिवार में यानी सेबी और सारा इंडिया परिवार के बीच में जो होने लगी क्राइसिस, और यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों का जो है केस चलने लगा। सारा इंडिया परिवार के बारे में आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, सारा इंडिया परिवार जो कहते हैं कॉन्फिडेंट ऑफ मेकिंग अ रिमार्केबल कमबैक बाय नेटफ्लिक्स फेस कर। सारा इंडिया परिवार के जो मेन मुखिया में सुब्रत राय सहारा जी, उन्होंने इस कंपनी को उभारने और निखारने में बहुत ही ज़्यादा अपना समय दिया और अपनी जद्दोजहद लगा दी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है भरोसा यानी कि इन्वेस्टर्स के भरोसे को अर्न कर पाए। और अगर हम बात करते हैं सारा इंडिया परिवार के बारे में तो उन्होंने कई सेक्टर्स में अपना जो है सहयोग किया, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, फाइनेंस सेक्टर, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने की तैयारी की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं, प्रिंट मीडिया सेक्टर, टेलीविज़न मीडिया सेक्टर, टेलीविज़न इंटरटेनमेंट सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर से जिन्होंने अब इन्होंने योगदान दिया था भारतीय को, साथ साथ इन्होंने बॉलीवुड मूवीज में भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है और इन्होंने जो है इंडियन क्रिकेट टीम और F1 रेसिंग की टीम में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं भारतीयों के बारे में तो इन्होंने 1.2 मिलियन सारा इंडिया परिवार के ग्रुप में लोगों को जोड़ा, जिसमें सारे सेक्टर्स के एम्प्लॉयज, एजेंट्स और ऑफिस स्टाफ, प्यून सभी लोग इंक्लूड हैं। सारा इंडिया परिवार के बारे में अगर हम 2015 के स्कीम चार्ट देखें तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, 5 ईयर में 11
9.50%, 6 ईयर में 11.50%, 7 ईयर में 11.55%, इन्होंने अगर हम बात करते हैं 10 साल के बाद में तो 12.35%, 10 सालों में 12.35% या सालाना, यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी राशि कितनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, एक प्रकार से डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, ये तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात करते हैं, फिर जीवन बंधन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डेथ हेल्प और मैच्योरिटी वैल्यू इन्होंने वैल्यू दे रखी है। फिर हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में, तो इन्होंने होम पॉइंट, यूनिक जॉइंट और यूनिक जॉइंट, यहाँ पे इन्होंने जो है मंथली जो डिपॉजिट होता है एक छोटी सी रकम, जैसे कि 200, 300, 500, 1000, 1400, इस प्रकार की जो है इन्होंने एक इंस्टॉलमेंट बांधी जो जीवन बंधन के तौर पे इन्होंने दिखाई है, जहाँ पे इन्होंने टोटल डिपॉजिट जो है आगे दिखाया है। अगर हम बात करते हैं इस विषय में, तो इस प्रकार से इन्होंने जो है जीवन बंधन जो कि 30 times डेथ हेल्प एंड 39.3 times गारंटेड रिटर्न की इन्होंने अपने जो है प्रोसेस में दिखाया, यानी कि स्कीम चार्ट में दिखाया। अब इस चार्ट को देख करके आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इन्होंने रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं रिटर्न इन 5 years तो 9.55% इन्होंने उसमें दिखाया, जो यहाँ पे मंथली यानी फिक्स डिपॉजिट भी नहीं करना पड़ा, मंथली दे रहे हैं 200 रुपये, तो आराम से व्यक्ति निकाल ले जाता है। देखिए 12,000 रुपये निकालना है तो मंथली 3 साल तक जो है वो, तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्कीम चार्ट, ठीक है ये। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सारा के बैकग्राउंड ऑफ सारा के, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया नेशनल हाउसिंग बैंक और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंदौर में है इनके, और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अब इसी के इर्द गिर्द ये पूरा इनका बैकग्राउंड रहा है। सारा इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जो सक्सेस से प्राप्त की, और जब लोगों का पूरा भरोसा था सारा इंडिया परिवार पे, और अभी भी है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सहारा में कुछ लोगों का भरोसा डगमगाया। अगर हम बात करते हैं कि जमा योजना के बारे में, तो जमा योजना में मैंने आपको पहले बताया इनकी जो जमा योजना है, अर्धवार्षिक योजना और वार्षिक योजना, ये दोनों जो योजना है इन दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी इन्होंने अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रोवाइड किया है। इन्होंने कहा है सारा की अल्प बचत योजनाएं सुरक्षित निवेश सर्वाधिक लाभ, वर्ष की इबादत है, विश्वास की विरासत है, हम आज भी खड़े सहारा कर्मवीर हैं, क्योंकि ऊंची उड़ानी हैं, ऊंचे इरादे हैं, हम की कल की तस्वीर है। तो इन्होंने इतना विश्वास दिला दिया, इन्होंने कहा कि सारा ट्रस्ट अनकंडीशनल, यानी कि बहुत बिना कंडीशन के जो है इन्होंने भरोसा जगाया सारे निवेशकों में। तो जब लोगों के में भरोसा हो गया इनकी स्कीम्स में और इनके कंपनी में, तो उन्होंने जो है लाखों ने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए, यानी कि अगर बहुत सारे करोड़ों लोगों ने जो है पैसे इन्वेस्टमेंट किए और वो थोड़े थोड़े भी अगर किए हैं तो उन्होंने सारा ने परिवार पास करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। तभी सेबी ने सहारा से सारा ने परिवार से 22,000 करोड़ रुपए जो है अब तक ले चुका है, जिनमें से 107 करोड़ निवेशकों को जो है सारा ने परिवार के प्रोवाइड भी कर चुका है। सारा ने परिवार के जो मेन मुखिया मिस्टर सुब्रत राय सहारा जी, अगर हम बात करते हैं तो इनको 2 साल जेल में भी जाना पड़ा था, क्योंकि सारा ने परिवार और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार जो बात थी इसके लिए उनको 2 साल जेल में भी जाना पड़ा, लेकिन आजकल वो पेरोल पे जो है बाहर अपने बिजनेस को जो है वर्क कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सारण्य परिवार और सेबी के केस के बारे में। तो सारण्य परिवार और सेबी के केस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हमें इतने पैसा नहीं मिला, बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेबी ने कहा, सारण्य परिवार ने कहा है कि सेबी को भी हमने पैसे दिए हैं और इन्वेस्टर्स को पैसे दिए हैं, तो सेबी हमारे पैसे को रिटर्न कर दे, तो इसमें से और सेबी ने कहा है कि हम उन सारे इन्वेस्टर्स को आपके पैसे को वो दे रहे हैं जो आपके ओरिजिनल बॉन्ड्स लेकर के आ रहे हैं, हम उन सभी को पेमेंट कर रहे हैं। तो और सेबी क्या है, सेबी एक गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंशियल को देखती है, कंपनी के फाइनेंशियल को देखती है। फिर हम बात करते हैं सारण्य परिवार में जिन लोगों को जो पैसे नहीं मिले, बहुत सारे लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और बहुत सारे
लेकिन अगर हम बात करते हैं सारण्य परिवार के बॉन्ड्स के बारे में, तो इन्होंने सारण्य परिवार में काफ़ी, सुगत राय सहारा जी ने सारण्य परिवार को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और इस्टेब्लिशमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी जो टीम है यानी कि जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है। और सारण्य परिवार ने ये भी कहा है कि सेबी अगर उनके पैसे रिटर्न कर देता है तो वो नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने बिजनेस के द्वारा जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अब देखना यह है कि सारण्य परिवार और सेबी के बीच में जो जजमेंट आता है वो निवेशकों के हक में कैसे आता है, और इसके लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू फ्रेंड्स।